एक्स्ट्रा करनी बैंड और यहाँ पर उपस्थित है जिला जींद की तमाम आशा वर्कर बहन। भाषण तो आपने कई दिन हो गए दंजन है, आज तो इस सरकार का ये तोड़ पड़ना है। ये जो न्यू कहे थे वो या जेल कट रहे हैं आशा वर्कर है, आज न्यू बता देना है ये जींद की जेल में कोई जगह नहीं पाएगी। और प्रशासन को हम ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं, जिस प्रकार आज आंगनबाड़ी वर्कर के साथ किया था, बसों में वर्के कहीं कहीं ले गए, अगर आशा वर्करों के साथ ऐसा सलूक किया उसके लिए जींद का प्रशासन जिम्मेवार होगा और कुछ भी करने के लिए मजबूर होंगे। बहने आज इस हौसले के साथ जेल भरो आंदोलन को कामयाब करने के लिए आए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, किसान सभा की तरफ से आपको क्रांतिकारी मुबारकबाद करता हूँ। और तो नारियों के साथ बासुरता पर गौड़ भी ना कर लाग रहे, सारी बातें दे रहे हैं। कितनी लंबी जेल है तेरी, देख लिया देख ले। कितनी लंबी जेल है तेरी, देख लिया देख ले। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कट्टरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक बात का ध्यान, जेल पर होगा आपका कार्यक्रम, कितने बजे का आपका और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आपका? हमारा जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम का समय 12:30 बजे हम गिरफ्तारी देंगे। अगर यहाँ से गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है ना, हम सीधा जेल में जाएंगे। और जे उनको बोल दिया सीआईडी वालों को का हमें आन लाग रहे हैं, अपने जो साधन है वो तैयार कर लो। और दाल बढ़िया रंधवादियों के देश जादपुर थाना में गए थे, वो किते किते दाना पावा तरदा बढ़िया दाल और बढ़िया रोटी मारी बनवा दो। और हम जेल में जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक हमारी सरकार बातचीत नहीं बनती तब तक हम जेल में रहेंगे। हम मतलब पूरी तैयारी कर तले आ रहे हैं, और डंडके भी लेकर आ रहे हैं हम अपने, और खाना भी लेकर आ रहे हैं हम अपना। और जब तक हम जेल मत नहीं जावांगे, आज हम अपनी गिरफ्तारी चाहे हमने 2 दिन लागो चाहे हमने 3 दिन लागो, हम जेल में जब तक हम जेल में रहेंगे हम बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं हैं। उसका बना ना थोड़ा गांगोली, कैसा बना के गांगोली कूड़ा रही हो आज के बना के जी। आज हमारा जेल भरो आंदोलन है, आज हम सरकार को बताना चाहते हैं भी जेल कैसे भरी जाती है। हम अम्बाड़ा गए थे जब पुलिस प्रशासन ने हमें बसों में भर भर के जगह जगह छोड़ दिया, बोले जेलों में भरे इनको, जेलों में भरे। और उसके बाद हम पंचकुला गए थे एक बार, तब भी हमको बसों में बैठा बैठा के जगह जगह छोड़ दिया सरकार ने, भाई इनको जी करो वहीं छोड़ दो। आज हम बताएंगे जेल कैसे भरी जाती है, आज हम भरेंगे जेल। उस दिन तो हमको पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे, आज हम खुद चल के जा रहे हैं जेल में, देखते हैं भाई सरकार कैसे जेल भरती है, कब तक हमको रखती है, क्या करती है सरकार। कितने के आशा वर्कर आज इकट्ठे हुए हैं? जी हमारी 1100 से ऊपर की पॉपुलेशन, और आज हमारी 1000 से ऊपर आशा वर्कर आए हुए हैं। 100% हमारी हाजिरी है और हम सारी की सारी आज जेल भरने जा रही है। अगर आज बातों का समाधान या बातचीत का समय नहीं दिया तो आगे क्या होगा? अगर आज हमारी बातों का कोई समाधान नहीं हो तो हम लगातार धरने पे हैं, आगे से आगे हम धरना करते रहेंगे, हमारा तो जोश कम नहीं होने वाला। परसों बातचीत हुई है सरकार के साथ, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी मांग? हाँ परसों सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन हमको तो इस प्रशासन पे, इस सरकार पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जब तक ये हमें रिटर्न में लेटर नहीं दे देती तब तक हम नहीं उठेंगे धरने पर से, और हमारा धरना लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। हमें सरकार पर कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम पहले गए थे, पहले पंचकूला गए थे आज से 7-8 महीने पहले, तो हम रात वहीं रुके थे। रात को उन्होंने बोला भी तुम घर जाओ, तुम्हारी मुख्यमंत्री से बात करा दी जाएगी, लेकिन हमारी अभी तक कोई बात ही नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा ही नहीं भी तुम्हारी बात भी करानी है क्या। अब हम झूठा आश्वासन देती है सरकार, हम इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं करते। जब तक हमारा रिटर्न में लेटर हमारे हाथों में नहीं आ जाएगा तब तक हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा और हम ऐसे ही हड़ताल पे रहेंगे। 4-5 दिन पहले यहाँ पर बिजली मंत्री अनिल जी चौटाला आया था, हाँ जी, उन्होंने बातचीत करने की बजाय आप तो देखकर रफू चक्कर। हाँ उस दिन बिजली मंत्री रणजीत चौटाला आए थे, हम DRD में गए, वो वहाँ से चले गए, फिर हम
गेस्ट हाउस में आए तो वो वहाँ से चले गए। नहीं उनका फर्ज नहीं था कि भी तेरी बहने सावरकर बैठी है, भी उनका कम से कम विज्ञापन तो ले ले। उन्होंने हमारा विज्ञापन ही नहीं लिया, फिर दोबारा अपने किसी को भेज के बोलते भी चार्ज नहीं विज्ञापन दे जाओ। जब हम विज्ञापन देने गए तो वो बोलते भी महिलाएं विज्ञापन देने मत आओ, पुरुषों को भेज दो। क्यों भाई, आशा वर्कर की हड़ताल है, आशा वर्कर प्रधान है, तो आशा वर्कर अपना विज्ञापन देने भी नहीं आ सकती। ये कौन सी बात हुई बताओ, ये कौन सी बात हुई जब आशा वर्कर ही अपना विज्ञापन देने नहीं आ सकती। विज्ञापन देने के बाद क्या बोले मंत्री? विज्ञापन देने के बाद बोले भी आपको तो ऐसे उड़दंगबाजी नहीं करनी चाहिए थी, नारेबाजी नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं। और एक बात बताओ, अगर बिजली मंत्री को इतना डर था भाई वो आके नारेबाजी करेंगी मुर्दाबाद करेंगी, तो उनका फर्ज नहीं था क्या दो आदमी भेज के बुला लेते भाई तुम्हारा विज्ञापन दे जाओ? हमें क्या जूत थी बेमतलब की मुर्दाबाद करे जिंदाबाद करे, क्यों करे हमें? उनका कोई फर्ज नहीं पड़ता क्या अपनी जनता के प्रति? वो तो विज्ञापन के बारे में तो उन्होंने बोला जी मेरी कोई बस की बात नहीं है, मैं तो ऊपर भेज दूंगा बस। मैं भी तेरे बस की बात नहीं थी तो आराम से ले जाता, क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाए? क्यों आगे आगे भाजा फिर पीछे पीछे आसार आगे आगे बिजली मंत्री क्यों भाग गया फिर? तेरे हाथ में ही नहीं था तो आराम से विज्ञापन ले लेता। क्या नाम है जी? मेरा नाम नेहा, मैं खंडेला की प्रधान। आज ये कहना चाहूँगा, आज हमारे धरने ने 50 दिन हो गए हैं, आज पूरे हरियाणा के आशा वर्कर जेल भरेंगी और इस सरकार को दिखाना चाहते हैं। आज गिनती कर लियो, हमारे जींद के अंदर 1105 आशा वर्कर हैं, हमारी 1100 आशा वर्कर आज गिरफ्तारी देवाएंगी। और गिरफ्तारी इसलिए दे रही हैं कि हरियाणा सरकार ने 40 दिन बाद हमारे MD साहब ने बातचीत करी थी, इससे पहले मारती किसी अधिकारी ने कोई बातचीत नहीं करी। और कहना चाहते इस चैनल के माध्यम से, आज 50 दिन हो गए, मुख्यमंत्री और अधिकारी हमारे से कब बात करेंगे? क्या 40 दिन के बाद ही और बात करेंगे? क्या 40 दिन में तब बात हुई है? इसके अलावा 40 दिन के बाद और बात करेंगे? लेकिन हमारी आशा वर्कर 50 दिन में भी इनका चेहरा इतना खिला हुआ है कि ये लगा है कि हम तो कल ही हड़ताल पाए हैं। और किन लोगों और का भी समर्थन मिल रहा है? किन किन लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है? देखो हमारे हड़ताल का समर्थन है ना, सब ने दे रखा है, सफाई आया ने भी, सड़क कर्मचारी संघ ने भी, CI2 की जितनी करतारे हैं उनने भी, जिला परिषद ब्लॉक समिति गांव के पंच सरपंच और गांव के अन्य लोग जिनको हमने अपने गांव में पर्चे बांटे थे, ये कह रहे थे कि बेबे तन और मन धन से हम तुम्हारे साथ हैं, बेबे उठना को नहीं, कुछ हासिल करके उठोगे, हम तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। और जेल भरण आंदोलन में भी कह रहे थे ये कह का है तो हम जाओ, अगर दूसरा भरनी पड़ी तो अपने साथ में लेकर आवेंगे। आज भी कुछ जेल भरने के लिए गांव से भी आए हुए हैं? हाँ, गांव हमारे साथ आ रहे हैं, सरपंच भी आ रहे हैं, जिला परिषद भी हमारे साथ हैं, सड़क कर्मचारी संघ वाले भी हैं, CI2 के भी हैं, हमारी पूरे एरिया पूरे जींद जिले के आशा वर्कर हमारे साथ। क्या नाम है? मेरा नीलम, जिला प्रधान। आज आप कहाँ से आए हो और आज का कार्यक्रम? मैं मुकेश आशा वर्कर अड़ेवत आई हूँ जी। आज हमारा जेड़ भरो आंदोलन है और हमने आशाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हमारे साथ सर्वोच्च कर्मचारी संघ है और जिला परिषद सरपंच मेंबर सभी आए हुए हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे अंदर आशाओं के अंदर इतना हौसला हो रहा है कि हम जेड़ में जाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले। अगर आज आपके बातचीत का समय नहीं मिला तो क्या आप जो जेल भरने के लिए बस आज उसी में बैठे रहो? हम वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा ऊपर सरकार कोई भी हमारे साथ बातचीत नहीं करती है, हम वहीं जेल में बैठे रहेंगे। हम आज है ना घर पर बोल के आ रहे हैं, आज हम घर पर नहीं आएंगे कि इतना हमारा सरकार कोई बातचीत नहीं करती है बहनों के साथ। हमारी समस्याओं का यदि समाधान नहीं होया तो हम हमारा ये भी वादा है जी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आज तो हम अकेले आशा वर्कर ही आए हैं, यदि आज हमारी मांगों को नहीं माना गया तो फिर से हम हमारे परिवार समेत जेल भरने के लिए तैयार हैं जी। आप क्या कह रहा था? आप कहाँ से आए? बराकला से, निर्मला आशा वर्कर बराकला से। क्या कह रहा था? यही है जी, आज सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया यानी माना नहीं, तो आज तो हम अकेले आए, अगली बार विद फैमिली आएंगे जी, हम डरने वाले नहीं है।
जब तक मांगों का समाधान नहीं होगा जी। आज तो पंच सरपंच सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य आए हुए हमारे साथ, तो अगली बार हम सारी फैमिली और सभी को साथ में लेके आएंगे। धन्यवाद।